डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद
आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुना